बारिश के दिनों में छोटे बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। छोटे मुर्गी के बच्चे होते हैं उनका लिए बहुत ही आपको सावधानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए पतीला है, इसके अंदर पानी होगा तो ये अंदर गिर जाते हैं, आप देख सकते हो। उनको बहुत ही मतलब सोच समझ के आपको पालना पड़ता है। देखो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही एक दूसरी मुर्गियाँ उनको मारने दौड़ पड़ती है, तो ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो देखो नेवला होता है, वो भी उनको लेके भाग जाता है। कौवा भी होता है, वो भी आजकल बारिश में सांप, एक गो होता है, वो सबका खतरा रहता है इनके। तो इनको देखभाल करने में बहुत आपको सोच समझ के इनको रखना पड़ता है। छोटे बच्चों पर बहुत दिक्कत आ जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, असील के बच्चे हैं, असील मुर्गी है। गोपाल बहुत टाइम लगता है पालने में, तो बहुत देख रेख करने में बहुत टाइम लगता है। छोटे थे वो आगे थे अंदर, और थे ना छोटे वाले, उसका हो गया। तो पहले से अपना लेके बैठी अंदर, सब अच्छा है। इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, पूरी अपना आप देख सकते हो अंदर हमने कैसे इनको बैठा रखा है। छोटे छोटे पूरे बैठे हैं, उधर बैठे हैं, तो अच्छा है। बाहर वाला को लेता हूँ अंदर। बारिश के समय देख लो, अभी मैंने और दिखाता हूँ, ये देखो ये भर गया, तो इसके अंदर भी बच्चे पानी से गिर सकता है, गिर के मर जाते हैं। उधर बड़े हैं तो इनको ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों का। जो गंदा पानी अभी बारिश बहुत काट के रुका है, तो अभी सब वो देख कर पूरे खाली कर दूंगा, बर्तन पूरे खाली कर दूंगा। सामने मुर्गी भाग रहे हैं, देखो कितना पानी है, ये पानी अभी सुखाऊंगा इसको। अब रात का समय गया, सुबह देखते हैं हम लोग ये कितना पानी हो रखा है। देखिए पानी भरा है, इसमें बच्चे डूब जाते हैं, मुर्गी के छोटे बच्चे है ना, वो डूब जाते हैं। और ये गंदा पानी हो जाता है तो मुर्गी पीने से बीमार हो जाता है। वैसे इतना ख़राब पानी नहीं है, ये इसी जगह का पानी है, इतना ख़राब नहीं है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। इधर हमने यहाँ पानी उठा, तो हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया ज़मीन को तोड़ के, उस तरफ चला जाता है पानी। यहाँ देखते हैं उधर बाहर उठा हो जाते हैं। तो देखो अभी शाम का समय है, इनको अंदर करते हैं। प्योर असील मुर्गे हैं, आप देख सकते हो प्योर असील, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। बच्चे भी असील के हैं छोटे छोटे, इनको हम थोड़ा ऊपर कर रखा है। देखो ये तो अगर पानी यहाँ इकट्ठा हो ना, तो इसके अंदर फार्म के अंदर ना जाए, थोड़ी थोड़ी ईंटें लगा रखी है। और जंगली जानवर को कुचर के अंदर ना घुसे, जंगली जानवर को कुचर के अंदर ना घुसे, हम देख सकते हो। अंदर देखो अपना दाना डाल दिया, अंदर चुग रहे खा रहे हैं, धीरे धीरे अपना चुगते रहेंगे। छोटे वाले बच्चे हैं, थोड़ा ये तो दीवार थोड़ी टूट के इसके लिए तरफ पत्थर रख देते हैं अंदर, ताकि जान में इसका अंदर ना घुस पाए। पत्थर रखने से अंदर पहले पहले को अपना ऊपर बैठते हैं। रात के समय में छोटे छोटे कुड्डे बन रखे, इसके अंदर बच्चे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं। तो देखो ऊपर चला गया, छोटे वाले कितने हो गए, एक कहाँ चला गया छोटा, तो चला गया चार और बड़े वाले। उसको
मारा पटका झगड़ा बहुत करते हैं। बदमाशी बहुत करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं आपसे। उसको मारता हूँ, उसको मारता, देखो अंदर से आप देख सकते हो कैसे बना रखा है। देखो पानी बाहर से पानी का पूरा, ये जो तीन इंच ऊपर कर दिया, ज़्यादा अगर पानी होगा ऊपर कर तीन नीचे नहीं आए, इसलिए मैंने सपोर्ट लगा दिया। पहले पहले सपोर्ट, लेकिन वो जो देसी जो गार्ड सपोर्ट लगा दिए, ये ऊपर से रख दिया, फिर बैठ जाए तो अंदर पानी आ जाए, इतने बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, लेकिन फिर इतना पंड हमारे एक टाइम होता है वो उस तरफ चल जाता है, हमारा हाइट में आइए, लेकिन फिर भी क्या पता उधर भी नहीं आए, उस तरफ से पानी आता है थोड़ा, जो फसल उगर के वहाँ से आता है पानी टावर क्या है। ये देखो आप कितने बढ़िया मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इनके देखो आप नीचे ये साथ देखो पूरे पेड़ पौधे आराम से, ये पेड़ पौधे बेस्ट क्वालिटी के पूरे पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे हर चीज़ के नाम देख सकते हैं। कल ठीक करेंगे पेड़ों को, बाहर तो मिल गया, शाम का समय हो गया, इनको अंदर कर देते हैं। दो दगड़ा कर रही है, जो बदमाश लग रही है, ये छह की जोड़ी अलग है, वो चार की जोड़ी अलग है। बहुत डाल टका खाते रहेंगे, सुखते रहेंगे रात को दिन में सुबह तक, बड़ा बड़ा उसको मार रहा है। तो बारिश के समय इनको थोड़ा सा इनका आपको बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ेगा इनको, बाकी ठीक है। छोटे बच्चों को बाहर निकालते समय के पानी में ना डूब जाए, कीड़े मकोड़े शाम से उनका थोड़ा ध्यान रखें ताकि इनका नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान पहुंचाने वाले जानवर बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम में, इस दौरान उनको बचाइए। उसको बंद करता हूँ गेट को, गेट बंद हो गया, इसके थोड़ा सा ये लगा देता हूँ ताकि अंदर कोई कीड़े काड़े ना घुसे रात को, कुछ न कुछ ना शाम सुबह ना घुसे, शाम बहुत हमारे दिन की अच्छी प्रोटेक्शन करना आपको। तब तो जाके ये तैयार होते हैं बच्चों, शाम बच्चों का जाता है, अभी खाया तो नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मैं पूरे इनका पूरा करके करता हूँ। देखिए आराम से देखो बैठे, मेरा फार्म देखो आराम से बैठे ऊपर है, नीचे मैंने लगा रखी ईंटे, वैसे जल्दी इधर से आप नहीं आएगा, मैंने छोटे छोटे जाली बांध रखी, देखो जाली से जल्दी आने की कोशिश नहीं करेगा, चारों तरफ बांध रखी वहाँ तो वहाँ तक उस तरफ तक, तो जल्दी इसके अंदर कोई शाम भूख नहीं आए, नेवला नहीं आए, गो वगैरह नहीं आए, रात को समय आती है ना, तो इसलिए इनको सबको हमने कर रखा है। आप देख दो कितने बेहतरीन क्वालिटी के हमने बना रखा है, बिल्कुल देसी जुगाड़ से, पेड़ के नीचे गर्मी में पेड़ की छाया आराम से अपना रहे, ज़्यादा हम नहीं पाल रखे हैं, 70 के लंबे समय हमारे पास में, अभी बारिश के समय उनको कम करेंगे, धीरे धीरे सर्दियों में बढ़ा लेंगे बच्चे निकाल के, कुछ मुर्गी अंडों पर बैठी है कुछ आप झगड़ा करते हो, जब दिन को अंधेरा हो जाएगा ना फिर अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, सब शांत हो जाएंगे, जब तक अंधेरा नहीं तब तक ऐसे करते नहीं, पूरे पूरे हाथ नहीं, ये वो गिर गया, देखो मार रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा फिर बैठ जाएंगे जब चुपके, फिर पता नहीं चलेगा कौन कहाँ है, वो उसको मार रहा, अभी वो उसके मार रहा है, देखो Mm-hmm.
ये था बारिश के समय मुर्गों को देखभाल कैसे करें। ये हमारा बगीचा गार्डन है, सामने सुंदर गार्डन है, उधर हमारा फार्म हाउस है, इसके अंदर ही इधर खुले में और एरिया है। इतना बनाया इस साल हमने, लेकिन हमने पेड़ पौधे भी नहीं लगाए हैं।